हे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग ऑन माय चैनल क्रिएटिव कुमार्स। तो चलिए एक बार फिर से आपको रिमाइंडर दे देती हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ ये रेड बटन सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं, जिससे मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कम्प्लीट हेयर हिना पैक फुल ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपको कम्प्लीटली हिना बनाने, उसके घोल को रेडी करने, बालों में लगाने से लेके उसके बाद क्या लगाएं जिससे आपके बालों का रंग बहुत ही काला और गहरा लगे, वो सब मैं बताने वाली हूँ। इसलिए फुल वीडियो ज़रूर देखिए। ये देखिए, इसके लिए मैंने गोदरेज की मेहंदी ली है, आप कोई भी मेहंदी ले सकते हैं। साथ में मैंने आंवला चूर्ण लिया है, आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये दोनों बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए ये दो इंग्रेडिएंट मेरी यूज़ करने वाली हूँ मैं। साथ में मैंने ये लौंग का तेल लिया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप मेहंदी का तेल लें, मेरे एरिया में मेहंदी का तेल अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने लौंग का तेल लिया है। और सबसे मेन चीज़ इस घोल को रेडी करने के लिए ये है कत्था। ये कत्था वहाँ मिलता है, जब आप पान की दुकान में जाएंगे देखिएगा वो कत्था यूज़ होता है, जिससे पान वाले के हाथों का रंग हमेशा गहरा लाल होता है। उसी कत्थे को हमने लिया है, वो उसे लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। पर ये देखिए, ये मैंने शॉप से लिया है, किराने की शॉप में कहीं भी आपको ये कत्था मिल जाएगा आराम से। इसे हम कुछ इस तरह से चूर कर लेंगे। ये कत्था बहुत ही कॉस्टली मिलता है, इसलिए आप थोड़ा ही लेंगे, इतनी ही लगेगी, हमें ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन ये कत्था हमारा मेन एंड बेसिक पार्ट है हमारे मेहंदी के घोल का, इसलिए आप इसे ज़रूर रखिए। इसे कहीं से भी आप अवेलेबल कीजिए और इसे ऐड कीजिए आपने अपनी मेहंदी में। अब ये देखिए, ये मैं एक पैन में 2 कप्स वाटर को हॉट कर रही हूँ, बहुत ही हीट कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं ये चाय पत्ती ऐड करती हूँ। मैं चाय पत्ती ऐड होने के बाद थोड़ा उससे हीट होने देती हूँ, साथ में मैं 4-5 लौंग भी ऐड कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों से ही हम अपने मेहंदी का घोल रेडी करेंगे, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से ही कलर बहुत अच्छा आएगा। अब ये देखिए, मैंने लोहे का बर्तन लिया है, नॉर्मल बर्तन भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप लोहे के बर्तन में मेहंदी का घोल रेडी करेंगे तो उसका कलर बहुत ही डार्क आता है। मैं अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने 4 चम्मच मेहंदी ली है। अगर आपके बाल बड़े हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा मेहंदी लगेगा। साथ में मैं इसे आंवला पाउडर भी डाल रही हूँ, आंवला पाउडर भी मैं अपने अकॉर्डिंग 4 चम्मच मेहंदी में 1 चम्मच आंवला पाउडर डाल रही हूँ। आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना आंवला पाउडर लगेगा और कितनी मेहंदी। और ये देखिए, ये मैं लौंग का तेल भी ऐड करूँगी। ड्राई ही सारे पाउडर्स को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ छान के ये जो चाय पत्ती मैंने रेडी की है, चाय पत्ती और लौंग का पानी, जिसे मैंने 2 कप पानी को 1 कप बना दिया है, और मैं इसे छान रही हूँ। इससे ही हम अपने घोल को रेडी करेंगे। फिलहाल हम इसे ठंडा होने देंगे और हम अपने ड्राई जो पाउडर्स हैं उसमें कत्था भी ऐड कर देंगे। तो जितने भी ड्राई पाउडर्स हैं मैं सब इसमें ऐड कर रही हूँ, कत्था, मेहंदी, आंवला और साथ में मेहंदी का तेल या लौंग का तेल। अब मैं इसे रेडी कर रही हूँ मिक्स करके। देखिए, जितना भी आपको पानी लगे आप उस पानी से इसे घोल बना सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। अभी भी इसमें बहुत सारे लम्स हैं, इसलिए मैं थोड़ा पानी और यूज़ करूँगी। हम इसे चाय के पत्ती और वो लौंग के पानी से ही मिक्सचर को रेडी करेंगे तो ही इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो इसमें मैंने सारे बेसिक जितने पाउडर्स थे सब डाल दिए, आंवला पाउडर, कत्था, मेहंदी और साथ में लौंग का तेल। और मैं इसे रेडी कर रही हूँ उस पानी से जो हमने 2 कप्स वाटर को 1 कप किया है। तो आपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग आपको कितनी वाटर लगेगी, कितनी चाय पत्ती लगेगी, वो आपको डिसाइड करना होगा। और ये देखिए, ये जो अब पानी है हमारे चाय पत्ती का वो भी बचा रह गया है, लेकिन मैं जानबूझकर थोड़ा ज़्यादा ही हॉट की थी, क्योंकि ये मुझे लगेगा सुबह भी। इसे मैं अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि जब हमारी मेहंदी का घोल सुबह रेडी होगा तो हम इसे चेक करेंगे कि वो कितना गाढ़ा है। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने रेडी किया है अभी घोल को। ये मैं रात को रेडी कर रही हूँ और इसे कवर करके रख दे रही हूँ, और सुबह देखूँगी कि इसमें कितना रंग आया है। ये देखिए, मैं इसे अच्छे से कवर कर दे रही हूँ। और ये देखिए, सनलाइट हमारे विंडो से आ चुकी है। अब मैं चेक करती हूँ, ओह माय गॉड, आप देख रहे हैं, रात को बिल्कुल ग्रीन दिख रही थी और सुबह देखिए इसका रंग बिल्कुल ब्लैक। इसीलिए आप लोहे का बर्तन यूज़ करिए और साथ में कत्था
बहुत ही ज़रूरी है। और ये देखिए, ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करना देना चाहिए, तो इसीलिए मैं उसी वाटर को रखी हूँ, चाय पत्ती के ही वाटर को, और मैं उससे ही ऐड करती जा रही हूँ इसमें। और इसके घोल को थोड़ा सा पतला किया है मैंने। ये हमारा घोल रेडी है, इसे मैं साइड रखती हूँ। अब मैं हाथ में ग्लव्स पहन रही हूँ। ग्लव्स आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो डायरेक्टली हाथों से भी लगा सकते हैं, पर मैं ग्लव्स से ही लगाऊंगी। ग्लव्स यूज़ कर रही हूँ मैं ताकि हाथ हमारे ख़राब ना हो, क्योंकि वो मेहंदी का रंग जाने में बहुत ही टाइम लगता है। हालांकि डायरेक्टली अगर आप हाथों से मेहंदी लगाएंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट हाथों से लगाइए, वो ज़्यादा अच्छे से लगेगा। पर मैं लगाते लगाते मेरी आदत हो चुकी है, इसलिए मैं ग्लव्स ही यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप से शुरू किया है और उसे ऐसे रोल किया है। फर्स्ट स्ट्रिप हम हेड के बिल्कुल सेंटर में लेंगे और उसे अच्छे से मेहंदी से पैक कर देंगे। फर्स्ट स्ट्रिप को मैंने कुछ इस तरह से लेके रोल किया और ऊपर से मेहंदी लगा के पैक कर दी। ये देखिए, फिर मैंने दूसरी स्ट्रिप ली है और उसी के चारों तरफ रोल करके ऐसे पैक करती जा रही हूँ अपने बाल को। आपको कभी भी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इसे फुल ट्यूटोरियल को वॉच करेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो आप घर बैठे ही बिठाए खुद ही सब कुछ कर सकते हैं और आराम से पार्लर के जैसा बन बना सकते हैं। साथ में डार्क गहरा रंग आपको मिलेगा, उसके लिए और क्या करना है मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ इस तरह से ये देखिए, मैंने मेहंदी से बालों को पैक कर लिया है और बन बनाती जा रही हूँ। आराम से जितनी मेहंदी बची है उस तरह से मैं इसे रोल करती जा रही हूँ, लपेटती जा रही हूँ। लास्ट में जितनी मेहंदी बची है उसे मैं ऊपर से अच्छे से पैकिंग कर देती हूँ। आगे की तरफ भी जितने बाल मेरे थोड़े वाइट दिख रहे हैं, मैं उसे भी कवर कर दे रही हूँ। और ये देखिए, कम्प्लीटली पैक हो गया है। अब इसे हम कम से कम 3 से 4 घंटे तक छोड़ देंगे। और ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ हैंड ग्लव्स को कैसे वॉश करना है। आप इसे बिल्कुल भी हाथों से मत उतारिए और डायरेक्टली ही इसे वॉश कर लीजिए। ये मैं सोप भी ले ले रही हूँ, रनिंग वाटर में इसे वॉश कर लूँगी। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये वॉश हो गया है, जो कि आप अलग से वॉश करते तो कभी भी नहीं होता। अब मैं इसे सूखने डाल दे रही हूँ और इसके बाद 4 घंटे वेट करके मैं अपने बालों को वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद जब बाल ड्राई हो जाए, तो मेन जो हमारा सीक्रेट पार्ट है इसका, ये मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने मेहंदी लगाने के बाद बालों को वॉश कर लिया है, लेकिन इतना ही नहीं, अभी हमारा कुछ पार्ट बचा है। मैं दिन भर तो वॉश करके रखी हूँ, लेकिन रात में सोने से पहले फिर से मैं ये थोड़ा सा सरसों का तेल ले रही हूँ। सरसों का तेल से जो इफ़ेक्ट आएगा और जो रंग आएगा मेहंदी का, वो बहुत ही अलग होता है। आप नॉर्मल मेहंदी लगाएं और मेहंदी लगाने के बाद अगर सरसों का तेल लगाएं, अगर आप हाथों पे भी मेहंदी लगाते हैं और उसे हटाने के बाद अगर सरसों का तेल लगाएं, तो उसकी हीट और उसके इफ़ेक्ट से मेहंदी का रंग बहुत ही गहरा आता है। तो रात को आप सरसों का तेल लगा कर सोएं और सुबह उठ के शैम्पू कर लें, और शैम्पू करने के बाद आप देखिएगा, आप जो नॉर्मल मेहंदी लगाते थे उसके मुकाबले ये सरसों का तेल लगाने के बाद मेहंदी का रंग भी गहरा आएगा और ज़्यादा दिनों तक मेहंदी आपके बालों पर टिकेगी। ये देखिए, ये हमारी कंप्लीट पिक्चर गाइड है। फिर से इसमें आपको गाइड मिल रही है मैंने क्या क्या चीज़ें की थी, जिससे आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि क्या करना है। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने ऐड किया, सबको मिक्स किया और उसे चाय पत्ती के पानी से घोल बना लिया। और ये देखिए, सुबह उठने के बाद मैं इसे लगा ले रही हूँ। लगाने के बाद मैं इसे वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद जब ये सूख जाए हमारे बाल, तो आप तुरंत ही लगा सकते हैं सरसों का तेल, या फिर आप रात को लगा के सो जाइए ताकि वो अच्छे से बालों में पकड़ ले मेहंदी का रंग, और सुबह उठ के वापस से बाल धो लीजिए और फिर देखिए आपके बालों का रंग और आपके लहलहाते बाल। आप मुझे ज़रूर बताइए आपके बालों का रंग कैसा आया, अगर आप इस तरीके से मेहंदी लगा रहे हैं तो। आपके बालों को देखने के लिए मैं भी बहुत ही उत्सुक हूँ कि उनमें कितना अच्छा रंग आया, और आप कमेंट ज़रूर करिए मुझे। तो इसीलिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते रहेंगे मेरे चैनल क्रिएटिव कुमार्स पे। थैंक यू।